फ्रेंड्स, आज भी हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसे आपको पता था कि हमने पिछली बार माइनक्राफ्ट स्नो बायोम में विलेज ढूंढा था, तो लेकिन मुझे उधर ट्रीस और ग्रेवल नहीं मिल रहा था, तो मैं इधर आ गया हूँ। तो इधर इस तरफ आप देख सकते हैं रेगिस्तान है, पीछे हम देख सकते हैं कि समुद्र है, और इस तरफ ये है, और ये मैंने अपना घर भी बना लिया इधर। तो आपको मैं अपना घर दिखाता हूँ। तो ये मेरा घर बाहर से ऐसा दिख रहा है, अब हम इसके अंदर जाते हैं। तो अगर हम अंदर जाए तो ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने ये बेड है और ये स्टैंड है, आर्मर स्टैंड है, और ये कुछ चेस्ट है दो, और ये सिर्फ क्राफ्टिंग टेबल मैंने दो रखे, और ये लीव्स है। अगर आपको लीव्स निकालने हैं तो सेवल से आप ट्री के ऊपर से लीव्स निकाल सकते हैं। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं, तो ऊपर मैंने ये पूरा का पूरा बनाया हुआ है स्टोन से। तो उसके लिए हमें स्टोन को पहले फर्नेस में हमें कॉपर स्टोन को फर्नेस में करना होगा। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। तो उससे पहले हम हमारा नीचे बेसमेंट देखते हैं। तो बेसमेंट में मैंने अपना स्टोरेज रूम बनाया है, ये बैरल है और ये चेस्ट है, अभी तो ज़्यादातर खाली है, कुछ भरे हुए भी है, और ये लीव्स है इधर सिर्फ डेकोरेशन के लिए, और ये बहुत सारे आर्मर स्टैंड है जिसमें हम इस तरह से आर्मर लगा सकते हैं और फिर इस तरह से ले सकते हैं। तो हम इधर पहले आर्मर पहन लेते हैं आयरन का। तो मैं ये आर्मर पहन रहा हूँ पहले। इससे हमें क्या होगा, अगर हमें जॉम्बीज या कुछ आता है तो हमें उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये मेरा बेसमेंट है, तो मैंने पूरा बेसमेंट इधर ब्रिज और लॉक से बनाया हुआ है। और ये बैरल है, बैरल आप बना सकते हैं स्टिक्स और जो स्लैब होते हैं वुड के उससे। उसके अलावा ये चेस्ट है जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। इसके लिए हमें चाहिए होगा स्मूथ स्टोन और स्टिक चाहिए होंगी। तो स्टोन और स्मूथ स्टोन कैसे बनाते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें स्टोन चाहिए सबसे पहले। एक मिनट, कॉपर स्टोन चाहिए हमें। एक मिनट, इधर है हमारे पास कॉपर स्टोन। और फिर अगर हम कॉपर स्टोन को फर्नेस में रखते हैं इस तरह से, सबसे पहले तो हम 8 कॉपर स्टोन से एक फर्नेस बना देते हैं। और अभी रात हो रही है तो हम सो जाते हैं बेड के ऊपर पहले। तो इधर मेरा बेड है तो मैं सो जाता हूँ पहले। तो अगर हम कॉपर स्टोन को फर्नेस में रखते हैं तो फर्नेस बनाने के लिए हमें 8 कॉपर स्टोन चाहिए होंगे। 8 कॉपर स्टोन को अगर आप इस तरह से रखोगे, मतलब कि क्राफ्टिंग टेबल में बीच का वो आपको खाली रखना होगा, तो ये कॉपर इस तरह से फर्नेस बन जाएंगी। फिर आप इस तरह से फर्नेस को रख सकते हैं, उसमें आप इधर फ्यूल में लकड़ी या कॉल ऐसा रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टोन रखेंगे, कॉपर स्टोन रखेंगे तो आपको स्टोन मिलेगा। और इसी सेम प्रोसेस से अगर आप स्टोन को गर्म करेंगे तो आपको स्मूथ स्टोन मिलेगा। और हम स्टोन को अगर ये स्टोन कटर में रखते हैं, जिसके लिए आपको आयरन और स्टोन लगेगा जो बनाने के लिए, तो हम ऐसे अलग अलग प्रकार के स्टोन के पार्ट्स देख सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये देखिए मैंने स्टोन ब्रिक बनाया है, ये स्टोन वॉल है, ब्रिक से आप वॉल बना सकते हैं इस तरह से। इसमें रख के आप क्राफ्टिंग टेबल से भी बना सकते हैं, लेकिन क्राफ्टिंग टेबल से आपको कम मिलेगा, और इससे आपको एक स्टोन में एक चीज़ मिल जाएंगी कुछ भी जो बनानी हो वो। इधर मैंने पिल्लर की जगह पिल्लर यूज़ की है और इधर वॉल यूज़ की है। इधर मैंने ये बालकनी बनाई है और इधर चारों तरफ मैंने लीव्स लगाए हैं और ऊपर ट्रैप डोर लगा दिए मैंने, जिससे अच्छा लग रहा है। ये मैंने जो वास होता है उसके ऊपर, सॉरी फ्लावर प्लॉट होता है उसके ऊपर मैंने कैक्टस लगाया है और फिर इधर लीव्स लग दिए, जिससे कि ये ट्री जैसा लग रहा है। और आप देख सकते हो इधर ये पीछे से भी अच्छा लग रहा है।
इसके बाद अगर हम आए आर्मर स्टैंड पे, तो उसके लिए मैंने आपको जैसे कहा आप फर्नेस पे स्टोन बना सकते हैं, फिर उसी स्टोन को वापस से फर्नेस में गर्म करने पे आपको स्मूथ स्टोन मिलेगा। और अगर आप इस तरह से रखते हो चार लकड़ी और ये एक स्मूथ स्टोन, तो आपको आर्मर स्टैंड मिलेगा जो कि आप देख सकते हो मैंने इधर लगाया हुआ है। ये लीव्स है और ये फेंसिस है, फेंसिस के लिए भी आपको वुड चाहिए, आप वुड से फेंसिस बना सकते हो। और ये नीचे का पूरा मैंने बनाया है ओक वुड से, जैसे सॉरी ब्रीच वुड से जैसे कि मैंने कहा। और ये बैरल के लिए भी आपको चाहिए, स्टिक्स चाहिए होंगी आपको बैरल के लिए, और इस तरह से स्लैब चाहिए होंगे आपको। स्लैब बनाने तो आप क्राफ्टिंग टेबल में तीन को अगर आप रो में रखोगे तो आपका उसका उस चीज़ के आपको स्टेप मिल जाएंगे। उसके अलावा ये मैंने इधर कलरिंग लगाया है, उस वो कंक्रीट है, तो कंक्रीट के लिए आपको चाहिए होंगी चार सैंड। और मैं आपको दिखाता हूँ, आपको चार सैंड और चार ग्रेवल चाहिए होंगी, जो कि एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये सैंड है और ये ग्रेवल है। ये सैंड होती है वो हमें डेजर्ट में मिलती है, और ग्रेवल आप कहीं भी खुदाई करोगे तो आपको मिल जाएंगी। फिर अगर हम क्राफ्टिंग टेबल के अंदर इनको रखेंगे, और हमें एक डाई भी चाहिए होंगी किसी भी कलर की, जो कि आपको फ्लावर से मिलेंगी। फ्लावर आपको जनरली नेचुरली भी मिल सकते हैं, और अगर आप बोन मिल से उगाओगे तो भी मिलेंगे आपको फ्लावर। एक मिनट, मुझे फ्लावर चाहिए, मैंने इधर रखे थे शायद से। हाँ आप एक मिनट, मेरे पास रेडीमेड डाई है तो मैं आपको वही दिखा देता हूँ। आप फ्लावर से डाई बना सकते हो, मैंने आपको सिखाया था पिछली वीडियो में भी। तो इधर आ गए हम, तो आप इधर एक मिनट, अगर आप इधर चार इस तरह से रख दोगे ये और चार ग्रेवल, तो आप बना पाओगे। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको चार इस तरह से रखने हैं, चार सैंड रखनी और एक डाई रखनी है, तो आप कंक्रीट बना पाओगे। ये आपका कंक्रीट पाउडर बनता है। उसके बाद आपको बकेट ऑफ वाटर चाहिए होगा, जो कि मैंने इधर रखा है शायद से इस बैरल में। हाँ ये रहा बकेट ऑफ वाटर मेरा। आप इस तरह से रख सकते हो, और अगर आप इसके बाद जैसे ही इसमें पानी डालोगे, ये आप देख सकते हो ये पानी के टच में आते ही ये कंक्रीट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। देखिए आप, ये कंक्रीट हो गया है और ये पानी से टॉर्चेस चली जाती है कभी कभी, तो आप ये टॉर्चेस निकल गई मेरी। ओई अरे यार, ये पानी बिगाड़ देता है काम हमेशा। तो इस तरह से आप कंक्रीट पाउडर में से कंक्रीट बना सकते हो, और फिर आप इसको पिकैक्स की मदद से तोड़ सकते हो। कंक्रीट है वो आप हाथ से भी तोड़ सॉरी कंक्रीट पाउडर आप हाथ से भी तोड़ सकते हो, लेकिन कंक्रीट के लिए आपको पिकैक्स लगेंगी। हम पिकैक्स से तोड़ रहे हैं, देख सकते हैं। और घर के आसपास में टॉर्चअप रखना ज़रूरी है, वरना जॉम्बीज और वो रात में स्पॉन होते हैं। और ये मैंने इधर सब जगह पे कांच लगा है, तो कांच लगाने के लिए आपको सैंड को फर्नेस में गर्म करना पड़ेगा, तो आप कांच ले सकते हो। और फिर अगर आप कांच को क्राफ्टिंग टेबल में रखोगे तो आपको कांच के भी इस प्रकार से स्लैब्स मिल जाएंगे। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कहते हैं पेन, ग्लास पेन कहते हैं इसको शायद से। और ये आप इस तरह से लगा सकते हो, देख सकते हैं आप,
ये लग गया है। ग्लास अगर आप हाथ से लेने जाओगे तो इस तरह से टूट जाएगा, इसके लिए आपको सिल्क टच चाहिए होगा। तो ये हमारा घर है, ये इसका पीछे से लुक है, ये पीछे से ऐसा दिखता है। इधर मैंने वो लगाया है लीव्स है और ये ट्रैप डोर्स है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी ऐसा घर बनाए रहे हो माइनक्राफ्ट के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिधर भी घर बनाओ उसके आसपास में आपको सारी चीज़ें मिल जाए, जैसे कि ये पानी हो गया या फिर वो विलेज हो गया या फिर आपको ट्रीस हो गई, जिससे कि आपको बार बार दूर ना जाना पड़े। और विलेज आप पास में ही होना चाहिए, क्योंकि विलेज की हमें आयरन फार्म और कुछ और जगहों में हमें विलेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हमें अगर बुक्स चाहिए होंगी तो लाइब्रेरियन की ज़रूरत पड़ेगी, तो विलेज के हमें पास ही बनाना पड़ेगा, वरना आपको विलेजर्स दूर से ट्रेन में या बोट में लाने पड़ेंगे, जिसमें आपको तकलीफ हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।